तो गाइस मैं मुंबई आया था फिजू भाई से मिलने। फिजू भाई से मिले नहीं। नहीं तो फिर मैं गेटवे ऑफ इंडिया आ गया। ओ माय गॉड, तो ये मैं जिंदगी में फर्स्ट टाइम गेटवे ऑफ इंडिया आया हूँ एंड डैम यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है बहुत ही ज्यादा। और ये होटल कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। इज इट द ताज? इज इट द ताज? आई थिंक इट इज ताज। तो फिर ये होटल ओबरॉय होगा, ताज ओबरॉय गेटवे ऑफ इंडिया एंड मी, इट्स मी। मैं यहाँ पे एकदम ही स्लिक बन के घूम रहा है। फर्स्ट टाइम अपन इस जगह पे आया है। समुद्र का व्यू एकदम प्यारा है। आई लाइक दिस। अरे वो देखो वहाँ पे कश्तियाँ चल रही हैं। और द गेटवे ऑफ इंडिया वेरी ब्यूटीफुल। इसको देख के मेरे को बिल्कुल ऐसा इंडिया गेट की याद आ गई दिल्ली वाले। एक मजाक से हटके सेम टू सेम है, इंडिया गेट भी सेम है। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट सेम सेम, ट्विन ब्रदर्स। अरे वाह मुंबई का कौवा भैया कैसे हो? I'm not interested यार। कौवा बिरयानी खाओगे? साले पता है कैसे बनती है कौवा बिरयानी? कौवे से। पड़ गई मुझे कसम से चुप हो जाना चाहिए। मैं इतनी वाहियात बातें बोल रहा हूँ ना कौवे का बोल रहा हूँ कौवा बिरयानी खाओगे लाइक मैं पागल हूँ ठीक है, सॉरी इग्नोर मी। तो मैं यहाँ पे ऐसे ना रेस्ट करने के लिए बैठा था तो मेरे को पीछे एक ये दिख गई फेरी जा रही है। उस पर ना ऐसा देखो शादी वादी हो रही है, कितने सारे लोग हैं, कम से कम एक एक डेढ़ हजार लोग तो दो फेरीज पे चढ़े हुए हैं। हैप्पी मैरिज, बाय 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 बाय, जीत के आना तंबोला ठीक है। अबे शख्स कोई मैरिज नहीं हो रही, लेडीज की किटी पार्टी हो रही है। मैंने जैसे ही हाथ उनको वेव करा तो हंसने लग गई। फिर मैंने ध्यान से देखा वो तो सारी लेडीज किटी पार्टी कर रही हैं। बाय लेडीज। मेरे को बचपन से शौक था किटी पार्टीज का, मेरे को तंबोला खेलनी होती थी पर मम्मी कभी अलाउ ही नहीं करती थी, सैड लाइफ। ओ तो मुझे मेरे खुफिया सोर्सेस से पता चला कि ना ही मैरिज पार्टी है, ना ही बर्थडे पार्टी है, ना ही तंबोला पार्टी है, आज विमेंस डे है। तो इसीलिए उन सब विमेंस को भर के फेरी में लेके जा रहे थे पार्टी कराने, समझा? तंबोला नहीं खेलने वाले वो। आरियल कैसा दिया? कितना? पर मैंने तो पूछा था कैसा दिया। तेरे को डर नहीं लगता? समझे नहीं भैया, मैंने पूछा कैसा दिया, भैया कहते 60 रुपए, पर मैंने तो पूछा था कैसा, कितना थोड़ी बहुत बुरा था सॉरी। अरे वाह मुंबई का स्पेशल नारियल पानी। मैं जब से आया हूँ मैंने मास्क नहीं हटाया, हटाना पड़ा। ओके अब हम टेस्ट करेंगे मुंबई का स्पेशल नारियल पानी। अरे माय गॉड कसम खुदा की एकदम नारियल पानी सेम टू सेम। हेलो भैया मजा आ गया, प्यास बुझ गई। नारियल पानी एकदम नारियल पानी जैसा था, दिल्ली में भी सेम टू सेम ही मिलता है। मैं एक बहुत ही बुरी बातें बोल रहा हूँ सॉरी। इतना रश है, इतना रश है, पूछो मत कितना रश है। एक बार उधर को देखो, माय गॉड वाइब, मुंबई की वाइब बड़ी सेक्सी है। मतलब इतना हैपनिंग, इतने लोग हैं हर जगह, दिल्ली मिस नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है दिल्ली से निकल के दिल्ली में ही आ गया हूँ। सेम है वहाँ पे भी। और ये देखो इतनी सारी काली पीलियाँ एक साथ पहली बार देखी है। नहीं मैं घर से बाहर ही कम निकलता हूँ ना तो मैं हर चीज़ पहली बार देखता हूँ। मेरे ख्याल से 5th time मुंबई आया हूँ एंड पहली बार है कि मैं एक्चुअली में मुंबई घूम रहा हूँ, वरना इससे पहले क्या हुआ मैं जब भी आया हूँ मैंने सिर्फ कोई काम के लिए आता हूँ करता हूँ वापस सेम डे रिटर्न। ये पहली बार है मैं मुंबई में रुका हूँ एंड अभी छोटा मोटा व्लॉग भी कर रहे हैं। भैया सुबह से घुमा रहे हैं मुझे। भैया आपका नाम क्या है? जावेद नाम। जावेद भैया ने सुबह से मेरे को पूरा ऐसा घुमा रहे हैं। भैया ने बोला अभी भैया कहाँ लेके जा रहे हो हमें? बांद्रा बैंड स्टैंड। नहीं भैया उससे पहले मेरे को अंबानी जी का वो किला देखना है। घर दिखा। मैंने भैया को बोला भैया और कुछ देखने ना, देखना मेरे को अंबानी जी का, शाहरुख का, सलमान का, सबका घर दिखा दो बस। उनके घर के बाहर खड़े होके हेलो करना। भैया का घर आ गया। अरे अंबानी जी हम भी आपका घर बनाए थे एक बार माइनक्राफ्ट में। वो देखो भाई इतना ऊंचा है कसम से गर्दन नहीं पहुंच रही मेरी, इतना ऊंचा है। मैं सीरियसली शीशे के अंदर ऐसा घुस के ऊपर देख रहा हूँ तब भी टॉप नहीं दिख रहा, इतना ऊंचा कैसे है भाई ये। और बाप रे बड़ा ही मस्त है, कुछ अलग ही है घर है। टॉप फ्लोर कुछ और है, नीचे कुछ और है, उसके नीचे कुछ और है। वाओ छुप गया। अब भी अपन बैठ के गाड़ी में वापस जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। और पीछे इसके बोर्ड के पीछे जो है समुद्र है, व्यू बहुत अच्छा था जितनी देर में मैंने फोन निकाला।
व्यू खत्म हो गया। सॉरी। One eternity later. Oh, hey guys, अपुन जो है वापस आ गया है अभी मुंबई से एंड मम्मी मेरे सामने है। मैंने मम्मी से एक चीज पूछनी थी, मम्मी आप कितनी बार गए हो मुंबई? अभी भी नहीं गई। तू लेके ही नहीं जाता, अकेला ही चला जाता है। इतना दुख, इतना दर्द। मुंबई कैसी होती है सपनों मुंबई में? मुंबई सपनों की नगरी, माया नगरी मुंबई कैसी होती है? मम्मी ने नहीं देखा। अभी मैं बहुत ज्यादा तेल लगा के अपने बालों में बैठा हुआ हूँ यहाँ पे और मम्मी मेरे सामने लगी है खाना बनाने। तो मैं बोल रहा था कि मैंने मुंबई में एक गेटवे ऑफ इंडिया भी देखा और वो भी देखा होटल ताज। होटल ताज काफी बड़ा एकदम आलिशान बना हुआ है और मैं नरीमन पॉइंट भी गया, मैं शाहरुख के घर भी गया, सलमान के घर भी गया, मैं अक्षय के घर भी गया। रुलाएगा क्या? और कभी देखा नहीं कुछ भी, मुंबई भी नहीं देखा। मम्मी ने तो अपने पड़ोस का वो भी नहीं देखा, पड़ोस का घर भी नहीं देखा है। मम्मी ने तो अपना घर भी आज तक पूरा नहीं घूमा बेचारी। इतनी भोली है, इतना दुख है जीवन में कि अपना ही पूरा घर नहीं देख पाई आज तक। किचन में ही रहती है, सो भी यही जाती है, यही पे बैठ लाके रात को सो जाती है बेचारी। वैसे मम्मी व्हेन वाज द लास्ट टाइम आप कहीं गए थे? गोवा गए थे आई थिंक हम लास्ट। हाँ बस गोवा गई थी मम्मी। उसके बाद चलो मैं नेक्स्ट टाइम मुंबई जाएगा तो मैं आपको भी लेके जाएगा। डन क्या? और अभी मैं ना मुंबई से ऐसा बहुत सारे सूटकेस भर के लाया हूँ, वो भी दिखाएंगे लेकिन किसी और वीडियो में दिखाएंगे। और वो देखो पापा वहां पे इतने सीरियस होके कान्हा जी को सुला रहे हैं और मम्मी एज यूजुअल क्या कर रही है? खाना बना रही है मेरे लिए भेलपुरी। भेलपुरी है इसके लिए मम्मी। भेलपुरी से ज्यादा अच्छा खाना कुछ नहीं होता है पता है आपको। तो गाइस आज हम डिंपल्स किचन में बनाएंगे भेलपुरी, जिसके लिए आपको चाहिए कुछ कटे हुए प्याज, कुछ कटे हुए टमाटर, उसके बाद ऑब्वियसली भेलपुरी लीजिए और हरी मिर्च बहुत ज्यादा। हरी मिर्च बहुत जरूरी है क्योंकि इस बंदे को टेस्ट नहीं आता। हाँ मिर्ची बहुत ज्यादा पसंद है यू नो बिकॉज मैं बहुत तीखा हूँ। बहुत तीखा है ये। चलो अच्छा हुआ तीखा ही बोला मैंने। हाँ तो फिर उसके बाद इन सबको काट के एक बोल में मिक्स कर लीजिए, फिर भेलपुरी डालिए, फिर उस पे ये फलाहार डालिए, फिर उसमें ये अदरक, लहसुन, ये धनिया है। जरूरत क्या डालने की? वाह अपनी खुद की माँ ही हमारी बेइज्जती कर रही है। ठीक है भाई। और ये सब डाल के फिर बन जाएगी स्वादिष्ट भेलपुरी जिसको हम खाएगा और फिर डकार मार के सो जाएगा। अभी रात भी हो गई है तो आई होप यू गाइस एंजॉयड माय मुंबई वाला व्लॉग। अपुन वापस घर आ गया है। इफ यू डिड लाइक थैंक्स फॉर वॉचिंग।